चलाने के संबंध में राइस मिल संचालकों का प्रदर्शन। वर्तमान वर्ष 2021-2022 में राइस मिलें न चलाने के संबंध में राइस मिल एसोसिएशन के तत्वावधान में राइस मिल संचालकों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और राइस मिल पुनः चालू कराने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से राइस मिल एसोसिएशन के तहत राइस मिल संचालकों ने कहा कि आज की सरकारी नीति के अंतर्गत संप्रदान करने में होने वाली हानि को देखते हुए सभी मिल्स ने यह निर्णय लिया है कि धान खरीद वर्ष 2021-2022 कस्टम मिलिंग की नीतियों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए हम सभी मिल्स राइस कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करेंगे, अर्थात राइस मिल नहीं चलाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि कई वर्षों से धान की कस्टम मिलिंग के कार्य में चावल की रिकवरी दरों में कमी आई है। ज्ञापन के माध्यम से मिल एसोसिएशन के तहत संचालकों ने यह मांग की कि धान खरीद मिल द्वारा की जाए चावल की रिकवरी 67% की जगह 58% की जाए, चावल का ट्रांसपोर्ट मिल द्वारा करवाया जाए, हालिंग चार्जेस बढ़ाया जाए आदि इन जैसी कई मांगों को लेकर सरकार को भेजे ज्ञापन में कहा कि मांग को जल्द पूरा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में के अग्रवाल, प्रदीप कुमार, शरीफ अहमद, वकील अहमद, मोहम्मद मारूफ, हरिओम शर्मा, सचिन शर्मा आदि लोग मौजूद हैं। मेरा नाम सचिन शर्मा है। सचिन जी, किस पद पर हैं? हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं ठाकुर। आज जिला कलेक्ट्रेट आना हुआ है, किन मांगों को लेकर आना हुआ है? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे 8-9 मांगे हैं हमारी, जो लगातार गत वर्षों से हम प्रयास करते आ रहे हैं, मगर अभी तक हमारी जो है पूरी नहीं हो रही हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो मतलब जो यूपी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमें मतलब जो है सजेस्ट किया है और पूरे प्रदेश में ये हमारा जो है मांगे क्या है? मांगे हमारी जो है हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि धान खरीद राइस मिल सम्मत से की जाए, राइस मिल द्वारा ही की जाए, और जो चावल की रिकवरी आज की डेट में जो 67% गवर्नमेंट के मानक हैं उसके मानकों में मतलब जो है आज जो है संभव नहीं है, मतलब जो है 50 से 58-55% तक चावल ही निकल पाता है, इससे ज़्यादा चावल नहीं निकल पाता। और जो चावल का जो ट्रांसपोर्ट है, गत वर्षों से हम चावल का ट्रांसपोर्ट राइस मिल से खुद करते थे, अब वो ट्रांसपोर्टरों को दे दिया गया है, जिसकी वजह से ना तो हमें ट्रक मिल पाते हैं समय पर, और हम जो है जो हमारा राइस मिल चलता है उद्योग, उसमें मतलब जो चावल इकट्ठा हो जाता है, हम ट्रकों के लिए फ़ोन करते रहते हैं कि आ जाएगा, सुबह आएगा, ट्रांसपोर्टरों द्वारा बहुत बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस वजह से मतलब जो हम लोग अपने जो मिल का स्टॉक रखा है वो समय पर मतलब जो है एफसीएमएस तरह की परेशानी आ रही है आपको? देखिए, परेशानियां तो मतलब जो है लगातार निरंतर चली आ रही हैं, समस्या मतलब जो है एक नहीं है, अनेक हैं। डीएम साहब से मुलाकात की क्या? डीएम साहब से अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, बस मुलाकात के लिए जा रहे हैं हम लोग सब। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी करी जाए, और मतलब हमारी नहीं है, पूरे जिले की और पूरे प्रदेश की मतलब जो है पूरी यूपी की मतलब मांगे हैं। और इस बार जो लास्ट ईयर मतलब हमारे बहुत संघ साथी राइस मिलर्स काफ़ी लॉसेस में गए हैं, बहुत हानि हुई है, और जो कुछ मतलब जो है अभी तरह बंद भी हो गए हैं कुछ, मतलब जो है जो सरकार का चावल अभी तक उतरने में उतार नहीं पाए, सक्षम नहीं हो पाए, वो काफ़ी मतलब जो है नुकसान में रहे।